अस्सलामुअलैकुम। तो ये है माशाल्लाह मदीना शरीफ। हम यहाँ मदीना शरीफ में पहुँच गए हैं और हर गली, हर चौराहे से, हर जगह, हर लेन से आप देखते हो ना माशाल्लाह, आपको ये जो मस्जिद नबी का जो एंट्री है, मीनार है, गुम्बद है, ये सारी चीज़ आपको दिखती ही रहेगी जहाँ से देखेंगे माशाल्लाह। आपकी आँखें भी बंद करेंगे ना तो आपको आपकी आँखों के सामने भी ये मंजर नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं जहाँ जो भी गली देखेंगे ना वहाँ से आपको दिख जाएगा माशाल्लाह। और ये बाहर की पूरी एरिया है। और ये जो मस्जिद है ना, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ लास्ट की दो जो ईद है इसकी नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पढ़ी थी, ये वाली मस्जिद के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। और यहाँ ये पूरा आसपास का एरिया है, शॉपिंग करने की भी थोड़ी बहुत दुकानें हैं। आप ये देखिए सामने सारी शॉपिंग की दुकानें, थोड़ी खाना खाने और पीने की शॉप्स हैं। तो बस खाएं पिएं, शॉपिंग करें और फिर से हरम शरीफ में घुस जाएं नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। ये देखिए वापस आप देख सकते हैं मीनार वगैरह आपको दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इस साइड से तो मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और ये सारी शॉपिंग एरिया है, आपने शॉप करना है। हमें तो कुछ शॉपिंग करनी नहीं थी तो बस हम टहल रहे थे। इसकी लाइन है KFC, KFC. ये क्या कर रहे हो अजान? एक्सरसाइज कर रहा हूं। बेटा रोजा रखे हो, उठो उठो चलो, अभी आधा घंटा ही बाकी है रोजे को। चल 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 चलो, चप्पल पहनो, टेक योर बैग अजान। 5:55 जल्दी चलो, रोजे का टाइम हो रहा है। अच्छा आज अभी लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में हम आएंगे हम रास्ते अफसरिया। एक्सक्यूज मी, और एक दही अल्फा ले लो ना, लपन बोरा उसमें डाल दो। जैसे ही हमारे होटल से हम नीचे उतरते थे, बस इस तरीके से बाहर निकलते ये जो सामने आपको दिख रहा है बस वो है मस्जिद नबी। ये मस्जिद है तो डायरेक्ट 100 मीटर ही था, बस ये दो तीन बीच में गलियां आती थी और उसके बाद माशाल्लाह ये देखिए आप देख सकते हैं, आप मीनार देख सकते हैं यहीं से ही। बस यहाँ से ही हम सीधा चले जाते थे, बहुत कन्वीनियंट था, आने जाने भी बहुत इजी था। बीच में रास्ते में ये सारी शॉप्स भी आती हैं तो जो चाहिए वो लेते जाएँ, आपको शॉप करते जाएँ। हमें कुछ चाहिए नहीं था तो हमने कुछ शॉपिंग की नहीं, बस हमें जो बीच बीच में जो लब्बन और ये खाने के लिए चाहिए होते था जो रोज़े के लिए, बस वही हम ले लेते थे रास्ते में। और फिर डायरेक्ट हरम शरीफ के अंदर। हाँ
बॉम्बे वाले मैं अस्सलाम वालेकुम आपा मैं दूसरा कुछ मांगती तो मिलता मैंने कहा आज नहीं बॉम्बे वाले नहीं नहीं बस आ ही रहते अभी तुम्हारे को याद है अच्छा चलो बिछा दो चलो इस पे सुपरा भिजाओ अलहन सुपरा दे तो चलो सुपरा बिछाओ अरे कहाँ सुपरा ठहरो मैं बैग के अंदर है शायद दो दो सुपरे ये लो चलो ठहर जाओ पहले ठहर जाओ पापा नमाज पढ़ रहे हैं हाँ पढ़ रहा हूँ चलो नमाज पढ़ लो चलो बाबू क्या दिया मेरी कोई ड्राई फ्रूट्स दिया चलो भाई चलो चलो लाओ गिलास दो मत लाओ अब ये अपना ये है अच्छा हाँ ये भी तो लिया हमने हमने ये लिया है और अंकल ने दिया है जजाक अल्लाह खैर बोला आपने इसके लिए मैं जबकि अभी बोल रहा हूं ये पकौड़ों की कितनी वैल्यू समझ में आ रही है यहाँ पर एक पकौड़े यहाँ मिलते नहीं है तो मेरा बच्चा वापिस रोजा रखा है अच्छा लग रहा है थर्ड रोजा है मदीने में दो रोजे हो गए ना आपके माशाल्लाह कितना शवाब है आज 26 है रोजा आज मतलब 26वां रोजा है कितना अफजल रोजा रखा मेरे बच्चे ने अल्लाह मेरे बच्चे को उसका बहुत असर देगा गुड बॉय है अहसान मुझे आज रोजा नहीं रखना था मैं सोच रहा चलो मैंने रखवा लिया कोई बात नहीं कल नहीं मत रखना लेकिन आज बहुत अफजल रोजा है ठीक है बहुत बड़ा रोजा है आज द बिगेस्ट रोजा एवर तुमने रखा होगा तो इसके लिए तुमको रखा है ठीक है बस एक मिनट सबर कर जा बस एक मिनट ही आज मैंने सेकंड रोजा रखा है मदीना में थर्ड है आज अच्छा मदीना में सेकंड रोजा है राइट मक्का में फर्स्ट रोजा देखो देखो क्या पीछे है ये बारे में जा रही है बाजू में से दिया है हमारे पड़ोसी मुल्क वालों ने ये भी सब 642 ये है मेरा फेवरेट ब्रेड और इसे इसके साथ लब्बन के साथ कहा लब्बन उसके साथ खा लब्बन प्लीज
मतलब बन गया है। यही जगह हुआ करती थी और यहाँ से जो गुंबद और मीनार दिखता है माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत मंजर हुआ करता है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती। और ये हमारी आज की इफ्तार है, खजूर हैं, ये सारे चीज़ें आधे से ज़्यादा चीज़ें बाहर से आई हैं और ये समोसे चाट और ये दही बड़े थे, ये चाट है और ये दो टाइप के कुछ चावल भी आए थे। सारी चीज़ बाहर से किसी ना किसी ने देखे गया है, सिर्फ ये आबे जमजम मैंने भरा है, बाकी सारी चीज़ कहीं ना कहीं की। और ये जो जूस है हम ला के रखते हैं हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह। वही वही वही।